एम हुंडई और एस्ट्रो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउटलेट में मौजूद है। अब ये सुविधा बिलावर के अंदर शुरू होने से बिलावर बसोली बनी के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आप इन दो कंपनियों की कोई भी गाड़ी बिलावर के एम हुंडई शोरूम में आकर खरीद सकते हैं, जिसका पता है एम हुंडई नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर अपोजिट वुडसा मिल। दूरभाष नंबर है 8493855057 और 7006423499। नमस्कार, छह की खबरनाओं में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से। नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने पर दिया जोर। जम्मू को नई दिल्ली और नई मुंबई की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा रियासत में काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा। ये बात केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कीड़िया गडियाल में परियोजना के लोकार्पण अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने से जम्मू कश्मीर क्लीन और ग्रीन बना रहेगा। जरूरत पड़ने पर हवा में चलने वाली डबल डेकर बसें भी चलाई जा सकती हैं। इससे रियासत में रोजगार बढ़ेगा और टिकट का रेट भी कम होगा। जेके खबरनाओं के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कश्मीर में बम्पर बर्फबारी, चौथे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू और कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण 300 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे चौथे दिन भी बंद रहा। लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए टनल के पास हो रही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबरनाओ। आज जिला रियासी में कांग्रेस ने एससी सेल की मीटिंग रखी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में सुरेश कुमार भगत को एससी सेल का जिला प्रधान नियुक्त किया गया। रियासी से रोमेश कुमार, राहुल की रिपोर्ट। कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रधान अभिनेता जीएम मीर साहब ने बनाया और हमारी कांग्रेस कमेटी के सभी लोग उधर थे। आज हमने एक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी है जो एससी सेल की, सभी लोग इसमें आए हैं। हमने अपने मुद्दे, काफ़ी मुद्दे रखे हुए हैं जो गांव में काफ़ी खराबा हुआ है, जहां राशन नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, बहुत बुरी हालत है, तो हमने ये एक मुद्दे रखे हैं। आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घगवाल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम किया गया और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के बारे में लोगों को कहा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घगवाल तहसीलदार हरजीत सिंह और सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल रहीम जी रहे। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। आज डिग्री कॉलेज में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि जो हाल ही में जम्मू यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है, तो उनका कहना है कि हम इसकी कड़े अल्फाजों में मुजामत करते हैं। साथ ही उन्होंने वाइस चेयरमैन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन को रिवोक किया जाए, नहीं तो हम 26 जनवरी के बाद हंगर स्ट्राइक करेंगे। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। नोटिफिकेशन जो है वो निकली, बीच राह में हमें लाकर खड़ा कर दिया। नोटिफिकेशन निकली थी कि जिन लोगों के जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है वो क्लियर नहीं होगा तो उनको सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ था तो ये हमें फिफ्थ सेमेस्टर में भी रोक सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे
हमारी वाइस चांसलर से यही अपील है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, नहीं तो अगर बच्चे यहाँ पे कॉलेज के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो ये कल रोडों पे भी निकलेंगे। परेशानी ये आ रही है, आज तक जो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने नोटिफिकेशन निकाला, जबकि आज से पहले कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं था कि फर्स्ट और थर्ड जिसकी बैग है उसमें सिक्स मिस में नहीं बैठने देंगे। अच्छा, जबकि ये बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, आगे छह सिक्स मानते वो कहाँ जाएंगे बच्चे, ये तो आतंकवाद को दावा दे रहे हैं। सुंब रोड बारिश के चलते रोड की हुई खस्ता हालत, लोगों का कहना है कि रोड का काम लगा हुआ है परंतु धीमी गति से कार्य चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते स्कूली बच्चों और आला अधिकारियों को अपने काम पर ठीक टाइम में पहुंचने में दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि 1947 की आजादी के सुंब ब्लॉक के लोग आज भी गुलाम है और साथ ही मिनी बस बहने से बाल बाल बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। ये यहाँ पे फंसी हुई है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, देख रहे हैं आप इस तरफ भी गाड़ियाँ उस तरफ भी, और काफी रिस्क है इस रोड पे आना, कई गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, नीचे गिर सकता है, कोई हादसा हो सकता है। तो हमारी गुजारिश है कि आज पूरा स्टाफ, स्कूलों का स्टाफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ा है, बच्चे खड़े हैं हर तरफ से, ना उस तरफ गाड़ी जा रही है ना इस तरफ, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वगैरह आना चाहिए, डस्ट वगैरह इधर डालनी चाहिए क्योंकि रोड का ऑलरेडी काम चल रहा है, बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। एक साल 18 महीने हो गए अभी तक, जो ना तो इसमें कैंकर डाला ना इन्होंने कुछ किया है, देखो रोड की हालत बहुत खस्ता है। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हर जगह गंदगी फैली हुई है। वहीं जम्मू के सेक्टर अन्या में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सफाई कर्मचारी का गुस्सा तब फूटा जब हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की जगह कस्बे अन्या के चेयरमैन रोमेश सैनी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ईओ नानक सिंह ने जेसीबी की मदद से गंदगी के ढेर को साफ करवाना चाहा। तभी आनन फानन में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों का गुस्सा पहाड़ की बुलंदियों पर चढ़ा। अर्निया से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। पिछले दो दिनों से लगातार भारी बर्फबारी होने से डोडा के लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिजली की कटौती और पीने के पानी ना होने पर हो रहे लोग परेशान, जबकि पहाड़ी इलाकों में करीब 2 से 3 फीट बर्फ लगने से आ रही लोगों को मुश्किलें। जेके खबरनाओं के लिए रविंदर सिंह गौरा की रिपोर्ट। पूर्व राज्य मंत्री शक्ति राज परिहार ने आज अस्टवर्ड डोडा जिले के विभिन्न हिस्सों से आए विभिन्न रोगियों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल GMC&H जम्मू का दौरा किया, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। पूर्व MOS शक्ति परिहार ने मरीजों और उनके साथ GMC जम्मू में भाग लिया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डोडा से रविंदर सिंह गौरा की रिपोर्ट। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के चलते अब ट्रैफिक पुलिस ने भी संभाला मोर्चा, बर्फ हटाने के कार्य में कर रहे हैं मदद। कुपवाड़ा से MR भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा OBC सेल का जिला कठुआ का प्रथम भोजराज को नियुक्त किया गया, इसको लेकर कठुआ में आज कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज डोगरा द्वारा किया गया, जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भोजराज का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी हाई कमान द्वारा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करें और संगठन की मजबूती को लेकर तत्पर रहेंगे। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं OBC सेल के एडवोकेट सुरेश डोगरा जी, उन्होंने भोजराज वर्मा जी को जिला कांग्रेस कमेटी के OBC सेल का प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त किया है और पुराने कांग्रेसी परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं और उससे पहले इन्होंने रियासती सरकार में बतौर रेवेन्यू ऑफिसर बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं।
कुंज में बार एसोसिएशन ने नवे राष्ट्रीय वोटर्स डे के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेशन जज मुख्य अतिथि रहे। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री भारत को स्वच्छ करने में लगे हैं, वहीं पौनी में शौचालय न होने से लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आपको बताते चले कि पौनी शहर में कोई भी शौचालय नहीं है। यहां से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा शिवखोरी दर्शन के लिए जाते हैं। शिवखोरी जाने से पहले लोग पौनी में ठहरते हैं, लेकिन यहां शौचालय नहीं होने से श्रद्धालुओं को और स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रियासी से रोमेश कुमार राहुल की रिपोर्ट। पुंछ में BSNL के SDO श्री नरेंद्र कुमार ने 4G सिम के लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। BSNL ने पायलट बेसिस पे जम्मू J&K के 5 शहरों में 4G सर्विसेज लॉन्च की है, जिसके अंदर पुंछ भी हमारा है। पुंछ की लगभग 14 जगह, जो सूरनकोट, मेंढर और पुंछ, यहाँ पे हमने 4G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। रियासत के प्रवेश द्वार लखनपुर में एक्साइज कमिश्नर तलत परवेज द्वारा आज पुरान टोल प्लाजा पर नए कांटे का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से आने वाले माल वाहनों को यहां कई बार कम कांटों की वजह से जाम में रहना पड़ता है, जबकि इस कांटे के बनने से फ्रूट सीजन सहित अन्य गाड़ियों को टोल और कांटा रखवाने की सुविधा होगी। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। हमारे पास यहाँ पे जो रखनपुर है, गाड़ियाँ स्टेट से बाहर भी जाती हैं, स्टेट से यहाँ बाहर स्टेट से हमारी J&K स्टेट में आती भी हैं। तो बाहर जाने के लिए हमारे जो रूट है उसको एक्सपोर्ट साइड हम कहते हैं, और जो हमारे पास गाड़ियाँ J&K स्टेट में एंटर होती हैं तो इम्पोर्ट साइड हम उसको कहते हैं। अभी इम्पोर्ट साइड पे हमारे पास रिसेंटली हमने 2 साल पहले कई ब्रिजेज यहाँ पे नए कर दिए थे और नए इंस्टॉल हो गए थे, और यहाँ पे 8 ब्रिजेज हैं हमारे जो गाड़ियाँ अंदर आने वाली हैं। बट जब फ्रूट का सीज़न होता था तो हमारा एक्सपोर्ट से काफ़ी गाड़ियाँ बाहर जाती हैं, जो फ्रूट्स लेके जाती हैं और बाकी सामान लेके जाती हैं। तो अभी तक हमारे पे 4 ब्रिजेज थे और वो केटर कर रहे थे हमारी नीड को, बट हमने देखा कि फ्रूट सीज़न में काफ़ी जैमिंग रहती है, तो हमने एक जो हमारी लेन अवेलेबल थी हमारे पास, हमने उसमें वे ब्रिज लगा दिया है। कलाई के स्थानीय लोगों ने विद्युतीकरण की अनुपलब्धता के कारण कलाई के लिंक रोड को अवरुद्ध कर दिया। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में, जिसमें किसी भी छात्र को सेमेस्टर में फेल होने पर अगले ना सेमेस्टर में दाखिला ना देने का निर्णय लिया था, इस ऑर्डर के बाद छात्रों में रोष व्याप्त था, जिसके बाद जगह जगह प्रदर्शन किए गए। NSUI के प्रदेश महासचिव करण मनहास ने भी छात्रों की आवाज उठाई और यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्रों के हकों पर ध्यान देने की चेतावनी दी। वहीं करण मनहास ने कहा कि अगर इस प्रकार का व्यवहार बच्चों से होता रहा तो वो जल्द ही इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो जम्मू यूनिवर्सिटी का मसला चल रहा था, जो सारे जम्मू जोन में जो भी काले थे, डिग्री काले थे, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने एडमिशन ली थी, सेकंड में ली थी, जो भी मसला चला था, गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है उसे। हम चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो हमारे सत्यपाल मलिक जी जो हॉनरेबल गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनके साथ जो एडवाइजर हैं गणेश जी, जिनके पास ये हायर एजुकेशन का महकमा है, हम मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज कठुआ की तरफ से जो आज नोटिफिकेशन आई है, कल का बच्चों ने, कई बच्चों ने खाना नहीं खाया अपने घर में, कई बच्चों ने रात को सोया नहीं, कई बच्चे इतने परेशान रहे, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जो हॉनरेबल गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं, हम इनको आग्रह करते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले जो डायरेक्टर कॉलेज की मीटिंग की जाती है, उन प्रिंसिपल साहब से कोई सलाह मशवरा किया जाए। सिरको सांबा, हाय हाय, सिरको सांबा, हाय
सांबा के स्थानीय लोगों द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड में सांबा सिडको के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, लोगों का आरोप है कि बिना किसी वजह से लोगों को तंग किया जा रहा है। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। नौशहरा में उज्ज्वला गैस योजना के तहत कई लोगों को मिले कनेक्शन, लोगों में काफी खुशी का माहौल। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। भद्रवाह को पर्यटन स्थल कहा जाता है और भद्रवाह पर्यटन स्थल पर चारों ओर इस समय बर्फ ही बर्फ है, जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली की तरफ से डोगरी और उर्दू गजल पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन एल सहगल हॉल में किया गया। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। आज छात्रों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जम्मू के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने हालिया अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। सुरन कोर्ट से ताहिर काजमी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा में छात्रों ने प्रवेश के मुद्दे को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा को अवरुद्ध किया। सांबा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डिमांड है कि जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को एडमिशन ही दी जा रही है सिक्स सेमेस्टर में, हम वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो डीसी सर ये अपने जो फैसला है ना मिले कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के सब्जेक्ट रहते हैं उनको क्लियर किया जाए। हम सर को बोलते हैं अगर आपने ये पहले ही डिसीजन लिया था, ये आपने फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चों को एडमिशन नहीं देने चाहिए। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चों को एडमिशन दे रहे हो फिर उनका साल एक फिर से बर्बाद कर रहे हो। रोड हमने जो ब्लॉक रखा था उसकी वजह ये है कि उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है फिर से सिक्स में जाने का। एडमिशन हमारी पूरे साल के एक साथ ली हुई उन्होंने तो सिक्स में रोकने का कोई मतलब इनका बनता नहीं था। एहसास फाउंडेशन के चेयरमैन का पुंछ प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हॉस्पिटल पुंछ में सुविधाएं नहीं होने से किया प्रदर्शन। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें गालबन डेढ़ दो साल से जो है हमारे आई स्पेशलिस्ट यहां पर नहीं है। पहले डॉक्टर बल्ला जी थे, जब से वो रिटायर हुए उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पर जो है आई स्पेशलिस्ट नहीं है। उसके अलावा भी अगर आप देखे जाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और भी डॉक्टर की जो पोस्टें थी वो फिलअप अभी तक हुई नहीं है। फिलहाल जे की खबर नाउ टॉप न्यूज में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जे की खबर नाउ। आप हमारा फेसबुक पेज जे की खबर नाउ पे लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। नमस्कार। एम हुंडई और एस्ट्रो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउटलेट में मौजूद है। अब ये सुविधा बिलावर के अंदर शुरू होने से बिलावर बसोली बनी के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आप इन दो कंपनियों की कोई भी गाड़ी बिलावर के एम हुंडई शोरूम में आकर खरीद सकते हैं, जिसका पता है एम हुंडई नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर अपोजिट वुडसा मिल। दूरभाष नंबर है 8493855057 और 7006423499।